उत्तर प्रदेश में आए दिन दबंगों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मैनपुरी जिले में सामने आया है, जहां दबंग किरायेदारों से परेशान होकर पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर दबंगों के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली इलाके का है, जहां पुरोहिताना मोहल्ले में किराए पर रह रहे पारस कश्यप, पुत्र मुकेश कश्यप, बल्लन और शिवम कश्यप आदि लोग गुंडा और शातिर किस्म के अपराधी हैं। वहीं पीड़िता महिला ने इन लोगों पर शराब पीने, अवैध कारोबार और गंदी गंदी गालियां देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि आए दिन दबंगों द्वारा हम जैसे लोगों को गाली गलौज करके सताया करते हैं, साथ ही नन्हे नन्हे बच्चों को भी बेचने की धमकी देते हैं। इस दौरान इनसे तंग आकर सभी लोग एसपी कार्यालय पहुंचकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। एसपी मधुबन सिंह ने सभी लोगों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। सर जी, बल्लन रहते हैं हमारे, मतलब मकान के पास में किराएदार हैं, तो वो आए दिन बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, हमारी माँ बेटियों को उठवाने की और बेचने की बात करते हैं। कौन है वो लोग? कौन है वो? बल्लन कश्यप। अच्छा। हाँ, और मेरे लड़के को उठवाने की धमकी दी है हमें, और आए दिन गंदी गंदी गालियां देते हैं और शराब पीते हैं, पिलाते हैं, सबको परेशान करते हैं। सर, गुंडे सात किस्म के लोग हैं, आए दिन मतलब अफीम, गांजा, चरस, शराब, ये मतलब व्यापार है उनका, चोरी करना, जेब काटना, और इन लोगों से मतलब बदतमीजी की। किस तरीके की बदतमीजी? हाँ, बहन की मतलब गाली देते हैं कि मतलब 5,000 रुपये में इसको मतलब पकड़वा लेंगे, उसको मतलब निकल लेंगे, किडनैप करवा देंगे। अच्छा, इस संबंध में मतलब मिलने तो क्या अभी आप एसपी साहब से मिले, क्या उन्होंने कहा, आश्वासन क्या दिया? अभी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? पूरा आश्वासन दिया उन्होंने। अच्छा, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गाली देते क्यों हैं, क्या कारण क्या है? ठीक है, नशे में देते हैं, नशाबाजी उनका काम, यही काम है।